हेलो एंड वेलकम अगेन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आरएनए इंटरफेरेंस और साथ ही साथ एसआईआरएनए मीडिएटेड आरएनए इंटरफेरेंस को पढ़ा था। आज हम लोग उसी का सेकंड पार्ट, जिसे कि माइक्रो आरएनए कहा जाता है, यानी एमआईआरएनए, तो एमआईआरएनए मीडिएटेड आरएनए इंटरफेरेंस को पढ़ेंगे। ये आगे साइटोसोल के मेकेनिज्म तो बिल्कुल सेम टू सेम एसआईआरएनए की तरह होती है, लेकिन एमआईआरएनए एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं जिसमें ड्रोशा लाइक स्पेशल प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, जो स्पेसिफिक एंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी को शो करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। बाकी आगे के प्रोसेस डाइसर और रिस्क यानी बिल्कुल एसआईआरएनए की तरह ही होता है। सो इसको देखते हैं, व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रोसेस। सो एम आई आर एन ए, आर एन ए मीडिएटेड आर एन ए इंटरफेरेंस। एम आई मीन्स माइक्रो, दिज आर स्मॉल नॉन कोडिंग आर एन ए मॉलिक्यूल्स एनकोडेड इन द जीनोम्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर वायरसेस, कुछ वायरसेस में भी ऐसा होता है। दिस हाईली कंजर्व्ड 20 to 25 mers आर एन एज अपीयर टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली बाई बाइंडिंग टू द 3' अनट्रांसलेटेड रीजन, जिसे कि 3' UTR कहा जाता है, ऑफ द स्पेसिफिक एम आर एन एस। देन विक्टर एम्ब्रोज एंड कलीग्स, उनके साथियों ने आइडेंटिफाई किया था पहला एम आई आर एन ए, जिसे Lin4 कहा जाता है सी एलिगेंस में। सो दे आइडेंटिफाई द फर्स्ट एम आई आर एन ए Lin4 Lin4 इन सी एलिगेंस, दैट इज कैनरेबडिटिस एलिगेंस, जो कि एक नेमेटोड है। द Lin4 जीन वॉज अनयूजल इन दैट इट डिड नॉट एनकोड अ प्रोटीन बट रेदर ए स्मॉल आर एन ए दैट इम्परफेक्टली बेस पेयर्ड टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑन द टारगेट एम आर एन एज इन ऑर्डर टू ब्लॉक जीन एक्सप्रेशन। द Lin4 कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ Lin14, दैट इज 14 जीन। द Lin4 ट्रांसक्रिप्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस प्रेजेंट इन द 3' UTR ऑफ Lin14 mRNA। तो इसी तरह से ईयर 2000 में एक दूसरा mRNA खोजा गया था, जिसे LET7 कहा जाता है, और इसे गैरी रोकन्स ग्रुप ने फिर से सी एलिगेंस में खोजा था LET7 को भी ईयर 2000 में। और ये बिल्कुल LIN4 की तरह ही वर्क करता है। दीज स्मॉल आरएनएज हैव बीन शोन टू प्ले क्रिटिकल रोल्स इन द डेवलपमेंटल टाइमिंग, हेमेटोपोएटिक सेल डिफरेंशिएशन, सेल डेथ, सेल प्रोलिफरेशन एंड ऑन्कोजेनेसिस। अब ये जो एम आई आर एन ए है, ये न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है, लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें। आर एन ए पॉलीमरेज 2 के ट्रांसक्रिप्शन से होता है, और जो ये पहला एम आई आर एन ए बनता है ऐसा, इसको प्राई एम आई आर एन ए कहा जाता है। प्राई एम आई आर एन ए दैट कैरेक्टराइज्ड बाई इम्परफेक्ट हेयर पिन स्ट्रक्चर। इम्परफेक्ट हेयर पिन स्ट्रक्चर का मतलब ये बीच में बबल्स का हो जाना। परफेक्ट हेयर पिन कैसा होता है? परफेक्ट हेयर पिन में ये बीच में जो बबल्स दिख रहे हैं, जहाँ पे कि पेयरिंग नहीं हुई होगी, कुछ ऐसे होते हैं। सो ये इम्परफेक्ट हेयर पिन स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको PRIMIRNA यानी प्राई एम आई आर एन ए कहा जाता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बनता है। फिर इस पर ड्रोसा वर्क करता है और इसे कन्वर्ट कर देता है प्री एम आई आर एन ए पे। यहाँ पे देखते हैं, नाउ आर एन ए पॉलीमरेज 3 ऑल्सो ट्रांसक्राइब्स सम PRIMIRNAs। एन आर एन एस 3 एंजाइम कॉल्ड ड्रोसा एक्ट्स एज डबल स्ट्रैंडर्ड आर एन ए स्पेसिफिक एंडो न्यूक्लियस, स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ये कट कर देगा इसे, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
इन कंजंक्शन विद अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन कॉल्ड पाशा, ये ड्रोसोफिला में है, एंड DGCR8 इन मैमल्स. मैमल्स में DGCR8, ये याद करने वाली बात है, ड्रोसोफिला में पाशा और मैमल्स में DGCR8. प्रोसेसेस द PRIMIRNA इनटू द हेयर पिन. अब ये हेयर पिन में कन्वर्ट हो गया. RNAs ऑफ 7200 न्यूक्लियोटाइड्स इन लेंथ कॉल्ड PRIMIRNAs. अब ये PRIMIRNA कहलाते हैं जब छोटे हो जाते हैं. कॉम्प्लेक्स ऑफ DGCR8 और पाशा विद एंजाइम ड्रोसा इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स. तो ड्रोसा के साथ जब इसका कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसको माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स कहते हैं. देन PRIMIRNA इज ऑल्सो डेराइव फ्रॉम इंट्रॉन्स कॉल्ड मिरट्रॉन्स. ऐसे PRIMIRNA जो इंट्रॉन से डेराइव होते हैं उनको मिरट्रॉन कहा जाता है. However, mirtrons not involve processing by microprocessor complex. PRIMIRNAs are transported to the cytoplasm. और इसको मीडिएट करने वाला जो अगला प्रोटीन है इसको एक्सपोर्टिन 5 कहा जाता है. एक्सपोर्ट करने से ये वर्ड आया है एक्सपोर्टिन 5. सी दिस इज एक्सपोर्टिन 5. अब जबकि ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है PRIMIRNA जिसे एक्सपोर्टिन 5 पहुंचाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, डाइसर प्रेजेंट होता है और डाइसर फिर PRIMIRNA को MIRNA डुप्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है. फिर MIRNA डुप्लेक्स, सी हिट इज, यहाँ पे डाइसर ने इस PRIMIRNA को MIRNA डुप्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया. फिर इसके बाद प्री रिस्क फैक्टर इससे बाइंड हो जाता है. सो लोड कर दिया जाता है इसे रिस्क पे, यानी RNA इंड्यूस्ड कॉम्प्लेक्स पे. सो RNA इंड्यूस्ड कॉम्प्लेक्स पे जब इसे डाल दिया जाता है, यानी साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स पे डाल दिया गया, तब रिस्क का एक मेंबर होता है जिसे आर्गनॉट कहते हैं, AGO. ये इसकी जो आर्गनॉट हैं ये रिस्क का मेन फंक्शनल कंपोनेंट होता है, सबसे मेन फंक्शनल. इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन कंपोनेंट्स होते हैं बट मेन फंक्शनल कंपोनेंट आर्गनॉट होता है. इसके अलावा जैसे सी एलिगेंस है तो उसमें स्लाइसर पाया जाता है कंपोनेंट. इसी तरह से अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं. नाउ आर्गोनेट आर नीडेड फॉर MIRNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग एंड कंटेन टू कंजर्व्ड RNA बाइंडिंग डोमेन्स. तो इसमें से पहला डोमेन होता है PAZ, पैज डोमेन दैट कैन बाइंड द सिंगल स्ट्रैंड 3 days end of the mature MIRNA and PV domain, PIWI, PV domain that structurally resembles ribonuclease H. अच्छा, ribonuclease H और endonuclease का difference ये है कि जो ribonuclease H है ये specific portion पे जिसपे bind होना होता है, यानी target पे जब bind होगा तो उसको break करेगा, ना कि जो MIRNA है उस स्ट्रैंड को. तो ये इसकी खासियत है पीवी डोमेन के वजह से, जहाँ पे ये MIRNA अटैक करता है तो जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री पे अटैक करेगा, जिस भी MRNA पे, उसको ब्रेक कर देगा. जैसे कि यहाँ पे फिर से ये इनकम्प्लीट एक फिगर है. MIRNA बायोजेनेसिस इन प्लांट्स डिफर फ्रॉम एनिमल बायोजेनेसिस mainly in the step of nuclear processing and export. First, in plants, single enzyme DCL1 present inside the nucleus fills the role of both drosa and dicer. दोनों का काम कर देता है, drosa का भी और dicer का भी. कौन? DCL1. ये अकेला ही plant में काम कर देता है, जबकि animals में drosa अलग work करता है और dicer अलग करता है. Now, it converting DCL1, converting PRIMIRNA to the mature MIRNA. और second, इसमें क्या difference होता है plants में? Before plant, MIRNA- duplex are transported out of the nucleus. Its 3' overhang are methylated. जो 3' overhang होता है, जहाँ पे कि दो nucleotide extra हो जाते हैं, उसमें methylation हो जाता है. Then S adenosyl methionin dependent methyl transferase, जिसे कि HEN1 कहा जाता है,
तो इससे मेथाइलेशन हो जाता है। ये प्लांट्स में इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। देखिए जैसे ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, अब ये थ्री डैश, नाउ थ्री, ये थ्री डैश, यहाँ भी थ्री डैश और थ्री डैश। तो थ्री डैश पे क्या होगा कि मेथाइलेशन हो जाता है। प्लांट्स में यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दो स्टेप्स में ये डिफरेंट होते हैं। अब इसको चार्ट में समझ लेते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से एक mRNA बना, इसे pRIMIRNA कहेंगे। ये हेयर पिन जैसा होता है बट एग्जैक्ट हेयर पिन नहीं होता है, डिस्टॉर्टेड हेयर पिन होता है। क्यों डिस्टॉर्टेड है? क्योंकि यहाँ भी बबल है और यहाँ भी बबल है। सो इतने सारे बबल्स की वजह से हेयर पिन क्लियर नहीं हो पाता है, जबकि हेयर पिन नॉर्मली ये लूपिंग नहीं होनी चाहिए हेयर पिन में। ये लूपिंग क्यों नहीं है? ये लूपिंग इसलिए नहीं कि यहाँ पे जो बेस पेयर्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हैं, इसलिए उनकी पेयरिंग नहीं हो पाई तो लूपिंग नहीं हो पाया। ये इंडोजीनस है क्योंकि न्यूक्लियस से ही बन रहा है। एक्सोजीनस जब बाहर से ही इंट्रोड्यूस करा दिया जाए mRNA को, कि या किसी वेक्टर के थ्रू इंसर्ट कर दिया जाए तो इंडोजीनस मेथड हो गया ये। देन PRI यानी प्राई mRNA पे ड्रोसा ने वर्क किया एंड ड्रोसा कन्वर्ट दिस PRIMIRNA टू द प्री mRNA, PREMIRNA। अब यहाँ से एक्सपोर्टिन फाइव इसे बाहर ले आता है न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के थ्रू, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू। फिर यहाँ पे प्री mRNA पे डाइसर कंबाइन हो जाता है, डाइसर इसे कन्वर्ट कर देता है ड्यूप्लेक्स में। फिर ड्यूप्लेक्स पे रिस्क यानी RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स ये लोड हो जाते हैं। फिर इसका जो सबसे मेन कंपोनेंट है आर्गोनॉट इसे पैसेंजर स्ट्रैंड और गाइड स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है। पैसेंजर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उसका कोई वर्क नहीं है, और गाइड स्ट्रैंड फिर टारगेट पे वर्क करता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक और डिफरेंस है, क्योंकि जो रिस्क फैक्टर है, अब यहाँ पे दो डोमेन होते हैं जैसा कि हमने पढ़ा था, एक पैज डोमेन और दूसरा PV डोमेन। तो पैज डोमेन क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड हो जाता है और मैच्योर mRNA के, जो कि उसको फिर आइडेंटिफाई कराता है टारगेट RNA की ओर। और PV डोमेन क्या करता है, जब टारगेट RNA पे mRNA बाइंड होता है तो जिस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे बाइंड होता है उस कॉम्प्लीमेंट्री बेस में जा करके टारगेट mRNA जिससे कि प्रोटीन डिकोड होना है उसको ब्रेक कर देता है, क्लीव कर देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द mRNA मैकेनिज्म ऑफ द RNA इंटरफेरेंस। थैंक यू।